चलिए आज हम बनाते हैं महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी मसाले भात। पहले हम मसाला भून लेते हैं। एक पैन में ऑयल डालकर ड्राई कोकोनट, लाल मिर्ची, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, मसाला इलायची, साबुत धनिया, जीरा, सफ़ेद तिल डालकर अच्छे से भून लेते हैं और मिक्सर में पीस लेते हैं। एक कुकर में ऑयल डालकर जीरा चटकने के बाद तेजपत्ता, दालचीनी डालने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया का पेस्ट डालकर अच्छे से भून लेते हैं। हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर ऐड करने के बाद बारीक कटी हुई सब्जियां, टोंडली, गाजर, फ्लावर, मटर, फ्रेंच बीन्स डालकर अच्छे से भून लेते हैं। दो कटोरी चावल ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। दो ग्लास पानी ऐड कर लेते हैं। अब स्वादानुसार नमक ऐड करते हैं। और वीडियो के शुरुआत में हमने जो मसाला भूनकर मिक्सर में पीस लिया था उसे हम स्वादानुसार ऐड करते हैं। 3 चम्मच दही और हरा धनिया डालकर मीडियम आंच पर 3 सीटी होने देते हैं। कुकर को ठंडा होने देते हैं और तैयार है गर्मा गर्म मसाले भात। ठंड के मौसम में कढ़ी और गर्मियों में छाछ के साथ परोसा जाता है मसाले भात। फ्रेश कोकोनट, हरा धनिया और घी के साथ गार्निश करते हैं और छाछ के साथ सर्व करते हैं।